एक नया टॉपिक देखेंगे, इंडाइसेस। इंडाइसेस का दूसरा नाम एक्सपोनेंट्स भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडाइसेस का मतलब क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे, इफ आई से ए टू द पावर बी में ये जो ए है इसको बेस बोलते हैं, और ये जो पावर बी है इसको या तो एक्सपोनेंट बोलोगे, एल्स नहीं तो इंडेक्स बोलेंगे। तो ए टू द पावर बी का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए टू द पावर बी? मीनिंग ऑफ ए टू द पावर बी, इसका मतलब है ए विल बी मल्टीप्लाइड विथ इटसेल्फ। ए मतलब खुद से ही मल्टीप्लाई होगा। कितनी बार? आपको बी टाइम्स, जो भी उसका पावर रहेगा उतनी बार ए मल्टीप्लाई होगा। इट मीन समथिंग लाइक दिस, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू डॉट 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 इंटू ए एंड बी टाइम, मतलब बी जितनी बार रहेगा उतनी बार ए मल्टीप्लाई होगा। तो इसी को अभी अभी सिंपल एग्जाम्पल में डाल सकते हैं। मान लो कोई बोले 2 to the power 3, तो 2 आपका बेस है और 3 आपका इंडेक्स या एक्सपोनेंट है। हाँ, तो इसका मतलब है आपको 2 will be multiplied हाउ मेनी टाइम्स, ये जो भी आपका एक्सपोनेंट होगा, दो आपको 3 बार मल्टीप्लाई होगा। इसका वैल्यू आप सारे लोगों को पता है, 8 होगा। लेट से मैं बोलूँ 3 to the power 5 का मतलब क्या है? इसका मतलब है आपको 3 will be multiplied 5 times, 1 2 3 4 5, ये इसका वैल्यू आ जाएगा 243 एंड सो ऑन। अगर बेस मेरा नेगेटिव या फ्रैक्शन में भी हो जाए तब पर भी मीनिंग चेंज नहीं होता। हाँ, जो मीनिंग है ए टू द पावर बी का वही होल्ड करेगा। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं कि लेट से मान लो -3 to the power 4, इसका मतलब क्या है? अभी बेस नेगेटिव हो गया है, हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मीनिंग चेंज होगा। इसका मतलब है -3 will be multiplied हाउ मेनी टाइम्स? 4 times। इसका वैल्यू क्या आएगा अभी देखते हैं, कुछ देर में देखते हैं। हम मान लो रहे आपको लेट से, आपको 3/5 raised to the power 3, इसका मतलब क्या है? अभी बेस मेरा फ्रैक्शन हो गया है, तो अगेन मतलब चेंज नहीं होने वाला है। इसका मतलब है आपको 3/5 will be multiplied आपको 3 times। तो ये बेसिक आपको इंडेक्स या एक्सपोनेंट का ये मतलब होता है। अब इसी में कुछ रूल्स चलते हैं, तो रूल्स अपने को याद रखना पड़ेगा, और नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसी बहाने आपको रूल्स याद हो जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन में रूल्स होने वाला, यूज होने वाला है। तो रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट और इंडाइसेस, फर्स्ट रूल होता है ए टू द पावर बी इंटू ए टू द पावर सी। अगर बेस सेम है, इफ द बेस इज सेम एंड द नंबर्स आर बीइंग मल्टीप्लाइड, तो जो भी आपका पार या इंडेक्स होगा वो ऐड हो जाएगा। ये आपका बेसिक रूल है। अगर एग्जांपल देखूं मैं बोलूं, मान लो ये दिया है आपको 5³ × 5⁴, इसका वैल्यू निकालना है। तो अगर मैं एक बार समझने के लिए करूं, 5³ का मतलब है होगा 5 will be multiplied आपको 3 times, और 5 to the power 4 का मतलब है आपको 5 will be multiplied आपको 4 times, और इनटू है। हाँ, तो कहना इसे इन टोटल में ये सारे को मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ, तो 5 to the power 7 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 7 कुछ नहीं है, इनका समेशन है। हाँ, तो ये रूल तभी एप्लीकेबल होगा जब बेस सेम होगा गाइस। अगर बेस अलग अलग होगा तो ये काम नहीं कर पाएंगे। तो इम्पोर्टेंट पार्ट इज आपका बेस हैज टू बी सेम। हाँ, तो अगर मान लो ऐसा रहेगा, मान लो आप 2/3 raised to the power आपको 5 × 2/3 raised to the power आपको लेट से आपको 3, इन दोनों का बेस 2/3 2/3 है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक स्टेप में लिख सकते हैं कि आंसर आएगा, हाँ, 2/3 raised to the power आपको 5 + 3 8 हो जाएगा। हाँ, तो ये आपको पहला रूल है, अगर बेस सेम हुआ और नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पार ऐड हो जाएगा। इसी का दूसरा इसका होगा, इफ ए टू द पार बी इज बीइंग डिवाइडेड बाय लेट से ए टू द पार सी। हाँ, तो अभी भी ऑब्जर्व करो, इन दोनों का बेस सेम है, अगर मल्टीप्लाई कर रहे थे तो पावर ऐड हो रहा था,
अगर इनको डिवाइड करोगे तो ऑब्वियस है कि अभी सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, तो हाँ तो ऊपर वाले में से नीचे को माइनस करना पड़ेगा। तो अगर एग्जांपल देखें, मान लो बोलूँ आपको 3 to the power लेट से 7 एंड डिवाइडेड बाई आपको 3 to the power 3, इसका वैल्यू चाहिए मेरे को, तो ये इसका मतलब होगा 3 × 7 times 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और इसका मतलब होगा आपको 3 × आपको 3 times। हाँ तो आप अपने लिए देख लो, ये जो आप 3 3 है ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ तो क्या बचा आपको, बचा 3 to the power 4, और 3 to the power 4 कुछ नहीं है, वो 7 − 3 से आया है। तो ये आपका दूसरा स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है, अगर बेस अगर सेम होगा और दोनों नंबर को डिवाइड कर रहे हैं पार सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इन दोनों रूल को कंबाइन भी कर सकते हैं गाइस, आई कैन मर्ज आपको दीज टू रूल्स आल्सो, इन दोनों रूल्स को मर्ज भी कर सकते हैं। तो मान लो ऐसा रहे, a to the power b इंटू a to the power c इंटू a to the power d एंड डिवाइडेड बाय a to the power e। इन सारे में ध्यान दे लो, इन सारे में बेस सेम चल रहा है, a a a a। तो अगर बेस सेम है तो जो न्यूमरेटर, ये जो मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट है, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पार ऐड हो जाएगा, और इसका बेस सेम है लेकिन ये डिवीजन में है तो ई वाला पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये एक स्टेप में लिख सकते हैं, मेरे को 2 steps लगाना भी नहीं चाहिए। हाँ तो शुड बी एबल टू राइट दिस इन 1 go गाइज। हाँ तो अगर मैं अगर एक छोटा एग्जाम्पल करूँ, मान लो मैं बोलूँ कि सॉल्व करना है, लेट से 2 to the power 10 इंटू 3 to the power लेट से आपको 6 अपॉन आपको 2 to the power 7 इंटू 3 to the power 4, इसका वैल्यू एक स्टेप में लिखना है मेरे को, तो एक स्टेप में लिख सकते हैं। इनके बारे में बोल सकते हैं इन इन दोनों का बेस सेम है और ये दोनों डिवीजन में है, और लेट से मान लो एक और टर्म यहाँ इंट्रोड्यूस कर देते हैं, होल्ड ऑन गाइस, हम मान लो रहे आपको 3 square और ये रहे 2 to the power 2 लेट से, अभी मेरे को सॉल्व करना आंसर निकालना है, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 इन दोनों का बेस सेम है तो इनके पार को मैं ऐड कर सकता हूँ। हाँ लेकिन ये वाला 2 जो है ये डिवीजन में है, हाँ तो इसको माइनस करना पड़ेगा इनटू ये वाला 3 और ये वाला 3 मल्टीप्लिकेशन में है, हाँ नीचे लिख रहा हूँ, हाँ तो ये ऐड हो जाएगा, लेकिन ये वाला 3 का जो पार है डिवीजन में है, हाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो माई आंसर शुड बी, इसको ऐड करेंगे तो 12 − 7 हो जाएगा, यहाँ 2 to the power आपको 5, हाँ सही है, और इसका हो जाएगा 6 2 8 में से आपको 4 जाएगा, तो ये 3 to the power 4 ये आंसर होगा। हो सकता है कि आंसर निकालने के लिए इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो तो बात की बात है, लेकिन रूल एक स्टेप में लगाने आना चाहिए, ये एकदम ही सिंपल रूल है गाइस।